देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर नरेंद्र मोदी का सेल्फी पॉइंट बन रहा है। एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए 6,25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने आरटीआई के जरिए मांगी गई सूचना के तहत दे दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। सवाल यही है, जो भी अधिकारी कर्मचारी सच बोलेगा क्या उसके मुंह पर ताला लगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और आगे भी करेगी या नहीं, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसी व्यक्ति ने आरटीआई लगाया था और उसने पूछा था कि नरेंद्र मोदी का जो सेल्फी पॉइंट अलग अलग रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है इसमें कुल कितना खर्च आएगा। तो अधिकारी ने जवाब दिया, एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए 6,25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। अब आप बताइए कि वहां पर नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बड़ी सी लगी रहेगी और जो भी व्यक्ति सफर करेगा वो देखेगा कि यहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वो व्यक्ति वहां पर जाएगा, बकायदा फोटो खींचेगा या फिर फोटो खिंचवाएगा। प्रचार किसका होगा, नरेंद्र मोदी का। और किसी भी व्यक्ति को ये बातें नागवार गुजर रही थी, उसने बकायदा आरटीआई लगाकर पूछ लिया और जिस अधिकारी ने जानकारी दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, पिछले दिनों आरटीआई से मोदी सरकार के फिजूल खर्च की एक जानकारी सामने आई। इसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के जो सेल्फी पॉइंट बने हैं उसकी कीमत 6.25 लाख यानी 6,25,000 रुपए है। एक सेल्फी पॉइंट 6,25,000 रुपए का। यह जानकारी बाहर आते ही मोदी सरकार के फिजूल खर्च की चर्चा होने लगी। अब मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है। जिस अधिकारी ने आरटीआई से यह जानकारी दी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। सच बोलने की सजा तो मिलनी ही थी, सजा दे दी गई। अब आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है बड़ी सी, और नरेंद्र मोदी घर की चाबी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लिखा है 4 करोड़ घर दिया गया है पीएम आवास योजना के तहत, और नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया नया भारत यही है। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए प्रचार कर रही है और अब जनता के पैसों से सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है यह फिजूल खर्ची है और जिस अधिकारी ने जानकारी दी उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब आप सोचिए सच बोलना कितना गुनाह हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। पवन खेड़ा ने लिखा है जिस अधिकारी ने आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ की कीमत सार्वजनिक की थी उस अधिकारी को बिना कारण बताए ट्रांसफर कर दिया गया है। उसे उसकी नई पोस्टिंग की जानकारी भी नहीं दी गई है। लोकतंत्र की जय जयकार है। अब आप सोचिए कि देश में वास्तव में हो क्या रहा है। बताया गया कि पूरे देश में 882 जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा और 55 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये 55 करोड़ रुपए किसका है, हमारा है, आपका है। अगर आपको लगता हो आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आप टैक्स पेयर नहीं हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप एक माचिस खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, कुछ भी सामान खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं तो भी आप सरकार को टैक्स देते हैं। अगर हम लोग एक ट्रॉफी खरीदते हैं तो भी सरकार को हम लोग टैक्स देने का काम कर रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे को सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है, अपनी वाहवाही लूट रही है। सरकार का काम क्या है, नरेंद्र मोदी हो या कोई और अन्य सरकार हो, हम इनको क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, अगर इन लोगों ने एक दो काम कर भी दिया तो इतना प्रचार करते हैं, जितना उस योजना में, उस काम में जितना रुपया लगाया गया उससे ज़्यादा रुपया ये लोग
प्रचार में खर्च कर देते हैं, सिर्फ वाहवाही लूटते हैं और कहते हैं देखिए पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। अरे डंका कहाँ बज रहा है? महात्मा गांधी ने कहा था असल भारत, असल हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। आप गांव की तरफ रुख कीजिए, पता चलेगा गरीबी कितनी है, भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। क्या नरेंद्र मोदी इसका सेल्फी पॉइंट बनाएंगे? कोई जवाब देगा? हाथरस में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, बीएचयू में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इसका सेल्फी पॉइंट बनाएगी और बताएगी कि देखिए हमारी इतनी नाकामियां हैं, इतने मुद्दों पर हम लोग नाकाम रहे, बहन बेटियों को हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाए? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सेल्फी बूथ बनाएगी? क्या सरकार बताएगी अपनी नाकामियों के बारे में? नहीं बताएगी। सरकार कह रही है उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को उन लोगों ने गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है सिलेंडर देने के बाद कितने लाख लोग या कितने करोड़ लोग या कितने हजार लोग उस गैस सिलेंडर को दोबारा से भरवा पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उसका असर क्या होता है दुनिया जानती है। तमाम ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं, उन लोगों से मैं बातचीत करता हूं, वे लोग कहते हैं कि उनके पास हजार रुपये नहीं है वे लोग गैस सिलेंडर को भरा पाए, क्योंकि उनकी कमाई ही पूरे महीने की 2-4 हजार रुपये होती है। 2-4 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति हजार रुपये का गैस सिलेंडर कैसे भरवा पाएगा? है किसी के पास कोई जवाब? क्या इस बात का सेल्फी पॉइंट नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी? और अगर कोई भी पत्रकार सच दिखा देता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है? हाँ, यही है नरेंद्र मोदी का नया भारत, जहां पर बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही है, इज्जत खुलेआम नीलाम की जा रही है, बहन बेटियों को न्यूट किया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जाता है, फिर बीजेपी के नेता ही गैंगरेप करते हैं। इस बात का कभी सेल्फी पॉइंट नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार को जवाब देना चाहिए। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय है बनारस, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, और उसी कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ, बहन बेटी के साथ खुलेआम दरिंदगी की जाती है, गैंगरेप किया जाता है। इस बात का जो जिक्र है किसी भी टीवी चैनल और अखबार में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पता है अगर इस पर चर्चा करवाई जाएगी, इस पर बहस करवाया जाएगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर डेंट लगेगा और सरकार कतई नहीं चाहती। और तमाम टीवी चैनल पत्रकार, जिन लोगों से कहा गया था आप लोग बैठ जाइए, आप लोग घुटने टेक दीजिए, इन लोगों ने बैठने और घुटने टेकने के अलावा ये लोग लौट ही गए हैं कि हुजूर जैसा आपका आदेश, हम आपके आदेशों के गुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। और इसीलिए एक नेता को, एक पार्टी को, एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगातार चमकाने का काम टीवी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, और बहुजन समाज सवाल पूछ रहा है, क्योंकि गरीब तो बहुजन समाज ही है, आधा ज़्यादा जो आबादी हमारे देश की है। और जिस आधी आबादी की बात नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, मैं बात महिलाओं कर रहा हूँ, महिलाओं को कितना इज्जत मिल रहा है, महिलाएं घर कैसे चला रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, इसके बारे में कोई भी सेल्फी बूथ बनाने का काम नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सच बाहर जब आ जाएगा तो 2024 में बड़ा बदलाव हो सकता है, और अगले कुछ ही महीनों में जनवरी चल ही रहा है, आज जो है कि 4 जनवरी है, और अगले कुछ ही महीनों में पूरे देश में आम चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी की सरकार को पता है अगले कुछ ही महीनों में पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और नरेंद्र मोदी के हाथ बंध जाएंगे। अभी वक्त है, जितना प्रचार करना है, अपने चेहरे को जितना चमकाना है, नरेंद्र मोदी जी उतना ही अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी सच बोलेगा उसकी जुबान को काट लिया जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने जानकारी दी एक सेल्फी बूथ बनाने में
6,25,000 रुपये का खर्च आ रहा है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर नई पोस्टिंग दी गई है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं दी गई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। तो क्या वो अधिकारी अब कभी सच बोल पाएगा, सही जानकारी दे पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसे भी घर परिवार चलाना है, और अगर दोबारा से उसने सही जानकारी दी तो कहीं ऐसा ना हो उसे घर पर ईडी, आईटी और सीबीआई वाले पहुंच जाए और कह दें तुमने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति को इकट्ठा किया है, तुम चलो हवालात और अब तुम जेल में रहोगे। उसके पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबको लेकर चलना है तो पैसा कहाँ से आएगा, और इसीलिए शायद अब दोबारा सच नहीं बोल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, अभी भी हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो सीधी है, और वे लोग कहते हैं, वे लोग हमेशा से सच बोलते आए हैं, सच बोलते रहेंगे, लेकिन सच बोलने वालों की जुबान सरकार काटने का काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।